स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर हम देखने वाले हैं कुमार एन मलिक बॉटनी की बुक से जिम्नोस्पर्म टॉपिक का पार्ट 6। इससे पहले मैं 5 पार्ट इसके डिस्कस कर चुका हूं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाइनस के सीड में जो विंग है, मतलब जो पंख है, वो किससे बनता है? ये सीड है और इस पर आगे लगा होता है पंख, ठीक है। तो ये पंख किससे बनता है? ये बनता है ओवुलिफेरस स्केल्स से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइकस में क्या होता है? तो आपको पता है साइकस में क्या होता है, दो कोन होती है, एक होती है मेल कोन, एक होती है फीमेल कोन। जनरली जिम्नोस्पर्म में दो कोन देखी जाती है, एक होती है मेल कोन, दूसरी होती है फीमेल कोन। लेकिन साइकस के केस में फीमेल कोन मौजूद नहीं होती है, फीमेल कोन की जगह पर होता है मेगा स्पोरोफिल, और ये दोनों के दोनों अलग अलग प्लांट पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है बीरबल साहनी ने जो राजमहल हिल्स से जो फॉसिल प्लांट डिस्कवर किया था वो किसका था? तो वो था जिम्नोस्पर्म का। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरलॉइड रूट जो कि साइकस में मौजूद होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर, मतलब कोरलॉइड रूट का पूछा था, वो होती है साइकस में प्रेजेंट होती है। तो आप जो ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, हमारी प्राइमरी रूट, और यहीं पर ये जो बाहर को जो उभार निकले हुए हैं, जो जमीन से बाहर आते हैं जनरली, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरलॉइड रूट। मान लो ये साइकस का हमारा प्लांट है, इसमें एक तो होती है मेन रूट और दूसरी होती है हमारी कोरलॉइड रूट, जो कि ऐसे जमीन से ऊपर को आ रखी होती है, ठीक है। ये हमारी जमीन के नीचे प्राइमरी रूट, और जो ये कोरलॉइड रूट है ये ऊपर आती है जमीन से, ठीक है, और ये साइकस में देखी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है, जो साइकस का स्पर्म होता है वो कैसा होता है? तो हम देखते हैं, ये हमारा लार्ज होता है और जिसमें स्पाइरल अरेंजमेंट होता है सीलिया का। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा, और इसी में जो स्पर्म है ये क्या होता है, ऐसे होता है, टॉप शेप होता है, ऐसे स्पाइरली यहाँ पर सीलिया ऐसे लगे होते हैं, पूरे में ऐसे सीलिया लगे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो सिडार वुड ऑयल है वो किसके हार्ट वुड से मिलता है? सिडार वुड ऑयल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किससे मिलता है, तो ये मिलता है जूनीपेरस वर्जीनिया का जो हार्ट वुड है उससे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये है कि साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, क्यों है? हमसे पूछा है साइकस एक जिम्नोस्पर्म क्यों है, और जिम्नोस्पर्म होने का एक ही कंडीशन है कि उस प्लांट में ओवरी जो है वो मौजूद नहीं होती है, इसीलिए हमने उसको जिम्नोस्पर्म में रखा हुआ है, ठीक है। किसी भी प्लांट में अगर जिम्नोस्पर्म है या नहीं है या क्यों है, ऐसा ऑप्शन हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप एक ऑप्शन वो देख लेना जहां पर ओवरी के बारे में कुछ पूछा गया हो, ठीक है। तो यहां पर लिखा है इट लैक्स ओवरी, मतलब इसमें ओवरी मौजूद नहीं होती है, और एक्सपोज होते हैं ओव्यूल्स, मतलब ओव्यूल्स में कोई भी कवरिंग पाई नहीं जाती है, ठीक है। तो यही होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइकस में जो सेकेंडरी वुड है उसमें क्या चीज़ नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो साइकस में वेसल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और किस में पाया जाता है, नीटम में वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है, साइकस में जो अर्ली एम्ब्रियोजनी होती है वो किससे कैरेक्टराइज्ड की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाता है साइकस के अर्ली एम्ब्रियो में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है इसमें से कौन सा कैरेक्टर सही नहीं है पाइनस के लिए? तो आप देखेंगे पाइनस में एम्ब्रियो में सिर्फ दो कॉटिलेडॉन होते हैं, ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है, जबकि पाइनस में बहुभ्रूणता पाई जाती है, मतलब बहुत सारे कॉटिलेडॉन जो हैं वो पाए जाते हैं, भ्रूणता नहीं कॉटिलेडॉन, मतलब जो द्वीप बीज पत्रों की संख्या है वो दो से ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब ये दो कॉटिलेडॉन का मतलब होता है जिसमें दो ही कॉटिलेडॉन हो, और इसको हम बोलते हैं डाइकॉट। तो जो हमारा पाइनस है ये हमारा क्या होता है, जिम्नोस्पर्म, अर्थात ये क्या होता है, कोनीफर होता है, ना ही ये मोनोकॉट होता है और ना ही डाइकॉट होता है। तो इसमें कॉटिलेडॉन की संख्या जो होती है वो दो से अधिक पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिम्नोपाइनस में जिम्नोस्पर्म है उसमें 12 है तो रूट और एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी। सिंपल से बोल रहे हैं कि अगर हैप्लोइड नंबर अगर 12 है किसमें, जिम्नोस्पर्म में जो कि है पाइनस, तो क्रोमोसोम की संख्या बताओ रूट में और एंडोस्पर्म में। तो आपको पता है एंडोस्पर्म कितना होता है, हैप्लोइड, हैप्लोइड का मतलब 12 ही होंगे, रूट होती है डिप्लोइड, तो डिप्लोइड मतलब 24, 12 का दुगना 24, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 24 और 12, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो लार्जेस्ट ओव्यूल है ये किस में मिलता है, तो ये मिलता है हमारा साइकस में, और साइकस है एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म में जाइलम में कौन सी चीज़ मौजूद नहीं होती है, तो जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होते हैं लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, नीटम, नीटम, एफिड्रा और वेल्विशिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पाइनस में कौन सा स्ट्रक्चर क्या होता है, हैप्लोइड, पाइनस में हैप्लोइड हमसे पूछा गया है, तो हैप्लोइड हमेशा एक तो होता है एंडोस्पर्म, दूसरा होता है पोलन ग्रेन और तीसरा होता है मेगा स्पोर, ये तीनों क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमसे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है साइकस में जो पहले बनती है कैम्बियम रिंग वो छोटी होती है, और न्यू कैम्बियम रिंग इज फॉर्म एवरी ईयर, नई कैम्बियम रिंग हर साल बन जाती है पेरिसाइकल और कॉर्टेक्स में। अब ये बताओ जो लकड़ी इस प्रकार से बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो साइकस की जो वुड होती है वो क्या सी होती है, पॉलीजाइलिक होती है, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा साइकस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, तो जैसा कि हम देख पाते हैं साइकस में सर्सिनेट वर्निशन प्रेजेंट होती है, गर्डलिंग लीफ ट्रेसिस प्रेजेंट होता है और नेकेड ओव्यूल प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये क्या है, जिम्नोस्पर्म, जबकि जाइलम में वेसल्स का मौजूद होना ये साइकस में नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, हमसे नहीं पूछा था तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है साइकस के प्लांट में मेल कोन के अंदर कौन सी चीज मौजूद नहीं होती है, तो जो ये न्यूसेलस है ये मेल कोन में एब्सेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पाइनस में जो ड्वार्फ शूट है उसके अंदर कितनी पत्तियां होती हैं, तो आप पाइनस को स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक होती है लॉन्ग शूट, ठीक है, इसी में से निकली होती है ड्वार्फ शूट, और ड्वार्फ शूट में जो ये लगी होती है जो लीफ लगी होती है इसी को हम बोलते हैं फोलिएज लीफ या निडल लीफ, तो इनकी संख्या 1 से 5 के बीच में पाई जाती है जिसको हम मोनोफोलियर, बाइफोलियर, ट्राइफोलियर, टेट्राफोलियर और पेंटाफोलियर के नाम से जानते हैं। वो नाम जो है इसी फोलिएज जो ये लीफ है यहाँ पे जिसको हम निडल लीफ भी बोलते हैं इनकी संख्या के आधार पर रखा गया है। ठीक है, तो 1 से 5 लीफ इस ड्वार्फ शूट जो यहाँ पर है इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, ठीक है, इन जिम्नोस्पर्म में से टॉलेस्ट कौन सा है, जो हमारा सिड्रस है देवदार जो है इसका पेड़ जो क्या होता है सबसे टॉल होता है, इनमें से सबसे लंबा है इन चारों वाले ऑप्शन में से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो मंकी पजल है इसका दूसरा नाम क्या है, या फिर मंकी पजल को हम और किस नाम से जानते हैं, तो वो होता है हमारा ओराकेरिया इम्ब्रिकेटा। ठीक है, ओराकेरिया इम्ब्रिकेटा इसी को हम बोलते हैं मंकी पजल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पाइनस जो है वो क्या शो करता है, तो पाइनस जो है वो बनाता है अपने सीड मतलब बीज बनाता है, लेकिन किस में बनाता है, कोन के अंदर, क्योंकि ये क्या है, कोनीफर, अर्थात कोन जिस पेड़ में मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं कोनीफर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट, प्रोड्यूस सीड इन कोन्स। अगला क्वेश्चन है विंग सीड मतलब बीज में जिसमें पंख पाए जाते हैं, ये बीज है और इसमें ये क्या लगाया आगे, पंख, ऐसा किसमें देखने को मिलता है, तो ये हमारा देखने को मिलता है पाइनस की प्रजाति में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइकस में जो गर्डल लीफ ट्रेसिस है वो पत्तियों में कैसे जाती है,
ठीक है, तो वो सेमी सर्कल जो है वो बनाती है तब जाती है लीफ में, और इसी को हम बोलते हैं गर्डर लीफ ट्रेसिस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइकस और टेरेस ये एक दूसरे से किस प्रकार मिलते जुलते हैं, ठीक है, या फिर इनमें से किसकी मौजूदगी से वो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे में समानता रखते हैं, कौन, साइकस और टेरेस। तो मैंने आपको क्या बताया था, इनमें क्या होते हैं, सीलिएटेड स्पर्म्स पाए जाते हैं, या फिर इनका गैमेट जो होता है उसमें सीलिया पाया जाता है, इसी कारण ये साइकस और टेरेस एक दूसरे से समानता रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइकस में जो पॉली एम्ब्रियोनी देखी जाती है वो कौन सी टाइप की होती है, ठीक है, तो वो होती है हमारी एकदम ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी देखी जाती है साइकस में, ठीक है, जबकि पाइनस में दोनों टाइप की एम्ब्रियोनी देखी जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चन, अब हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में अगले नए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।